हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड कास्ट वीडियो ऑन माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है इब्रार और आप देख रहे हैं आप सबका चैनल इब्रार टेक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के बारे में। तो दोस्तों, आपको अपनी व्हाट्सएप की सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे हरामी दोस्त हैं जो हमारे व्हाट्सएप के अंदर घुस के बोलते हैं, ये क्या कर रहा है भाई तू, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, हमारा व्हाट्सएप, हमारी जिंदगी, हम जो भी करें तेरे को क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी का व्हाट्सएप हैक करना चाहते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर बिना उसके मोबाइल को टच किए तो आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो यहां पे मिल जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आप वीडियो देख सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत सी नॉलेज मिलेगी। मगर दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने व्हाट्सएप की जो सिक्योरिटी है उसको बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे हरामी दोस्त होते हैं जो आपकी व्हाट्सएप को हैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, दोस्त नहीं तो आपका मोबाइल अगर कहीं गुम हो जाता है, तो आपके अगर सिम गुम हो जाती है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, मगर बाय चांस ऐसे हो सकता है कि अगर आपका मोबाइल गुम हो रहा है या आपकी सिम कहीं गिर जाती है, तो दोस्तों वहां उस पर कोई भी व्हाट्सएप बना सकता है इजिली, तो इसे आपको एक नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकते हैं। यार कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐसे नहीं ऐप लॉक कर लो, जो भी होता है ऐप लॉक कर ये वो, व्हाट्सएप इसकी सिक्योरिटी आपको खुद देता है। तो दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो सिर्फ आपने वो कर लेना है, उसके बाद आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं हो सकता। चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। ओके तो फ्रेंड, यहाँ पर हमें आ गए अपने मोबाइल के अंदर, और अभी यहाँ पे मैं आपको अपना व्हाट्सअप ओपन करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने वो जो प्राइवेसी है, जो सेटिंग्स है, वो कैसे करनी है। तो दोस्तों, सिंपली यहाँ से आपने अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ ऊपर जो 3 डॉट्स हैं अपने, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे सेटिंग है, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। आप क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अकाउंट में चले जाना है। अकाउंट के बाद यहाँ पर आपको लिखा आएगा 2-स्टेप वेरीफिकेशन। तो दोस्तों, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है। इनेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यार आपने कोई भी ऐसी आपने एक पिन रख लेनी है, एक अच्छी सी पिन रख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी पिन रख लेता हूँ रैंडम, तो ये आपने पिन रख लेनी, ये नहीं, आपको कोई भी अपनी सी कोई भी पिन लिख लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कोई भी ईमेल अकाउंट है अगर वो देना चाहें तो ठीक है, अगर आपके पास ईमेल अकाउंट नहीं है तो आपने सिंपली ऊपर ये स्किप लिखा हुआ है यहाँ पे आपने स्किप कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद अभी इसका फ़ायदा क्या है दोस्तों, अगर आपका कहीं भी मोबाइल गिर जाता है, कोई भी आपका मोबाइल बिना तुक्के उसे उठा के चलाने लग जाता है, उसके उस व्हाट्सअप ओपन होने से पहले आपको उसको ये पिन देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपना व्हाट्सअप ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना व्हाट्सएप जैसे ही ओपन किया, ठीक है, इसको ओके कर देना है, बैक चले जाएंगे हम। तो जैसे ही हम अपना व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले ये ऑप्शन आ जाएगा, भाई अपने यहाँ पिन दो तो फिर आपका व्हाट्सएप ओपन होगा। तो ऐसे यार आप कोई भी आपका व्हाट्सएप है वो रैंडमली यूज़ नहीं कर पाएगा तब तक जब तक ये पिन ना लगे। तो यहाँ पे जैसे वो पिन ऐड करेगा उसके बाद आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आपको ज़रूर ये प्राइवेसी लगानी चाहिए, बहुत ही कमाल की चीज़ है। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।